हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजेश खन्ना से जुड़ी हुई बातें। राजेश खन्ना लोकसभा के पूर्व सदस्य, जन्म 19 दिसंबर 1942 अमृतसर में हुआ था और मृत्यु 18 जुलाई 2012 मुंबई में हुई थी, 69 वर्ष की उम्र में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ राजेश खन्ना एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक व निर्माता थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्म बनाई और राजनीति में प्रवेश किया। और आपको बता दें, वो नई दिल्ली के लोकसभा सीट से 5 वर्ष के लिए सांसद भी रहे कांग्रेस पार्टी से। जी हाँ दोस्तों, और बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। और इनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया हैं, जो विवाह के बाद तलाक ले लिए। जन्म स्थान अमृतसर पंजाब भारत, स्वर्गवास स्थान मुंबई महाराष्ट्र भारत। मृत्यु का कारण कैंसर था। जी हाँ दोस्तों, आप उनकी फिल्म में बता देते हैं जो सुपरहिट रही आखिरी रात 1966 में आई थी। और इनकी रुचि की बात करें तो खाना बनाना, कुंडली पढ़ना, और इनके पिता का नाम लाल हरिनंद था और जो हेडमास्टर थे, और चुनीलाल खन्ना जो गोद लेने वाले पिता थे, माता चंद्राणी खन्ना जो रियल माता थी, और लीलावती खन्ना गोद लेने वाली माता थी। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूँ इसमें इनकी गोद लेने का कारण आपको वीडियो में मिल जाएगा। पत्नी डिंपल कपाड़िया, जो कि 1982 में इनसे तलाक ले लिया था। इनकी बेटी ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, इनकी दो बेटियाँ थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ। और अभिनेत्री मुमताज के साथ बनाई गई सभी फिल्में इनकी सुपरहिट रही। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सराहनीय रही ये 12 फिल्में। दोस्तों आपको बता दूँ, इन्होंने सुपरस्टार का किताब भी दिया गया, लोगों ने इन्हें सुपरस्टार का किताब भी दिया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों।